पैदा होते थे क्यों नहीं मर गया। ये बात सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई, तू कब सुधरेगा? कैसी गलती और ये अंकुर अंकुर भाई पूरे नजरा, ये हमारे घर वाली चाप को 50 रुपया व्यवहार। बंधु कैसे कैसे लोग आए और क्या क्या करके यहाँ से प्रस्थान कर दिए। भागने वाले फरिश्ते ध्यान अपना छोड़ दे और खुनी ये समझी दे इसे विस्तार जो अमूल्य रक्त को छिपाने वाले शख्स कौन हो तुम? कुशांगा किस लिए आए हो? तेरे दोनों हाथ काटने के लिए। बड़े विनायक से मेरे को प्राण दंड देने के लिए। मैंने कैसे शिक्षाएं दी थी? मैंने चाहता कि एक दिन तेरे दोनों हाथ काट जाए और तू जिसके हाथों को काटने के लिए इतना रनिंग करते भी आ रहा वही शेष करेगा। बात करते हो कहाँ की मिलता जहाँ से प्यार था धुआ सहारा हाथ कटने पर यही तो किया इकरार। अरे मन मथुरा तन द्वारिका काया काशी जान अमर ज्योति जो जब ही जरा कट भीतर पहचान मेरे हाथों को क्यों काटने जा रहा है? बाबा ये तेरे दोनों हाथ बेटना के अच्छा की तरफ पड़े तो बेटना के अच्छा की तरफ पड़े होंगे के लिए बाकी रह गया था ये भी पूरा कर दिया तूने। कम से कम बहन बेटे की इज्जत का लुटेरा भी तो मैं बन गया। क्या क्या फूल खिलाई गई ये गलियों? अरे बेटा आले चुनी की साने नाते चोरे नाते खासी हंसी खुशी सन्यासी नाते साधु नाते दासी का तारीफ ये साधु संसार में एक कुत्ता है वो उससे दुष्कार है। मोह माया से है संसारियों के लिए साधुओं को कल किसी सरोकार वो मैं नहीं हूँ। किसी ने मेरे को धोखा दे दिया है बेटा धोखा दिया बेटा मुझे काफी किसी जंजाल ने बाद में फंस जाओगे बेटा जब फंस जाओगे जान मेरे हाथ को मत काटो। तूने मेरी नजरों के सामने से भागा तो मुझे धोखा दिया। सुनते जाओ मैं अपना तीसरा वरदान के लिए इस संसार में जी करूं क्योंकि मैंने तुझे वचन दे दिया है और मैं दिए हुए वचनों का निश्चित रूप से पालन करूंगा। जाओ बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन याद रखो सांगा बगैर सोचे विचारे तुमने मेरे हाथों को काट डाला है। बगैर मस्तिष्क एवं भी मेरे दोनों करों को काट करके फेंक दिया है।
इसलिए मैं इतना देता हूँ कि आज के बाद तो अपने दुश्मन के सामने कभी जीत नहीं पाएगा। अगर लड़ने के लिए गया भी तो जिन हाथों को उठा करके तूने मेरे हाथों को काटा है, अगर जिन हाथों को अपने दुश्मन के सामने उठा दिया तो तेरी आधी ताकत तेरे दुश्मन के पास चली जाएगी और तू पराजित हो जाएगा। जा, इससे बड़ी सजा हम तुम्हें नहीं देंगे। अरे बिना बेचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम की गारे आप लोग जग में हो दसाए, जग में हो दसाए जिसे चैन न पावे, खान पान सब मान राज रंग मन ही न भावे, रैन बिताई सोए कर दिवस बिताया खाए, कोमल तन अनमोले बिटवा एक दिन की हो कौड़ी बोल बिकाए, आए दिन पाछे गए तिहोला गुरु से है, अब पछतावा का होते जब चिड़िया चुग गई। ऐसा लगता है कि मैं धोखा खा गया, सच्चाई कुछ और थी, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। सिदाई सारा काम खेलो गए, हमारा तो पास हो गया। क्यों तेरा पास हो गया? आज हम ग्वालियर गए शिवाई इशारा करके हमारे कामों में दखल दे दिया। हमारे पास कौन नहीं पहुँचा, बनने पहुँचे हैं खाद चले गए। अच्छा शिवाई, देखिए सम्राट ने आदेश दिया है कि जो राजकुमारी सिलसिला प्यार के जुर्म में पकड़ी गई उसे कल सुबह 10:10 में फांसी होगी। जाओ तुम रियासत में ऐलान कर दो कि राजकुमारी ससुरा प्यार के जुर्म में पकड़ी गई और कल सुबह 10:10 में उसकी फांसी होगी। सिपाही आज तुम इस रियासत में जाओ, ऐलान करो तो वही ऐलान की खबर उस सारे सपेरे के कानों तक पहुंचेगी और वो सपेरा भागता हुआ पूरा दरबार आएगा, फिर एक को नहीं दोनों को मौत की सजा होगा। लेकिन ये दोनों को मारने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा क्या? क्योंकि राजकुमारी सिलसिला सपेरे से प्यार करती है, आज सपेरा रहा तो सारा इस हुकूमत एक दिन मालिक बन जाएगा और महाराज जो है किसी काम का नहीं है। और ये दोनों नहीं रहेंगे तो महाराज तो किसी ना किसी दिन ठिकाने लग जाएगा और फिर इस हुकूमत का सम्राट ये शमशेर सिंह होगा। और तुम राजा बने तो हम काका मिली शिवाई, आज से मैं यहाँ का राजा बन गया तो मैं तुझे मंत्री बना दूंगा, राम ऐलान करके शीरफाजी की तैयारी करो। मुझे एक बात है, कहा चींटी के मरे के दिन आओ तो के पर जा मत, अभी लोग के मरे के दिन आ गई है, राजा बनिए मंत्री हमका बनाइए और मंत्री बन जाए आप तो उधम को हम जो बता कि हम इनका बच्चा के दिनों आखिर को आराम।